पंचमुख हनुमत कवचम। पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है। इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं। गरुण उवाच अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि श्रृणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्टाकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशं कुश पर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनि पुंगवम् एतान्युध जालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्यांबरं धरं दिव्यगंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवर्यं पीतांबरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं
शत्रु संहार माम रक्ष। श्रीमन्नापद मुद्धर ओम हरि मरकट मरकट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठे नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रु निवारणं। द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम्। त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसंपत्करं शुभम्। चतुर्वार पठे नित्यं सर्वरोग निवारणम्। पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोक वशंकरम्। षट्वारं च पठे नित्यं सर्वदेव वशंकरम्। सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठे नित्यं अष्टकामार्थसिद्धिदम्। नववारं पठे नित्यं राजभोगं वाप्नुयात्। दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम्। रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात्। इति पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्री विरचिते हनुमद रहस्ये सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तं पंचमुख हनुमत कवचं संपूर्णम्।